भाई उनकी पार्टी में कोई है ही नहीं, तो किसको देंगे? दूसरे दल के नेता को ही ना बढ़ाएंगे? देखिएगा वो दिन दूर नहीं जब मुख्यमंत्री जी की क्या पार्टी का नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचेगा। जहरीली शराब बेचता है या जहरीली शराब बनाता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब 2025 का जो चुनाव होगा वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि इसी पे जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी में कोई ऐसे नेता नहीं है जो अपने पार्टी के नेता को आगे लाएंगे। आपको बता दें इस पे जो चिराग पासवान है उनका कहना है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार दूसरे दल में देख रहे हैं, ताक झांक कर रहे हैं कि कौन जो लोग है वो पार्टी को चला सकता है, क्या कुछ कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के और तेजस्वी को नेतृत्व को लेकर चिराग पासवान, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। भाई उनकी पार्टी में कोई है ही नहीं तो किसको देंगे? दूसरे दल के नेता को ही ना बढ़ाएंगे? मुख्यमंत्री जी की पार्टी में कोई नहीं है, और देखिएगा वो दिन दूर नहीं जब मुख्यमंत्री जी की क्या पार्टी का नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचेगा। और मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये उपचुनाव के परिणाम दर्शा रहे हैं भैया। गोपालगंज के परिणाम बता रहे हैं, कुंडनी का परिणाम बता रहे हैं, फॉर दैट मैटर इवन मोकामा का। पिछली बार लड़े थे मोकामा, 40,000 पाए थे, इस बार एक वोट इनका नहीं गया। यही कुंडनी में देख लीजिए, खुद इनकी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, क्या हुआ इनके वोट का? पूरी तरीके से जनाधार मुख्यमंत्री जी की पार्टी खो चुकी है। तो भैया जब आपका जनाधार ही नहीं है, आपकी पार्टी में कोई नेता रहा ही नहीं है, मैं तो बल्कि मुझे ताज्जुब होता है कि इनकी पार्टी के नेता दूसरे दल के नेता को जब इनके नेता अपना नेता मानते हैं तो इनके दल के नेता खामोश रहते हैं। तो भैया वो भी तो बता ही रहे कि उन लोगों में कोई ताकत नहीं है, तो इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई ताकत, कोई कोई वो बच्चा फांसी की सजा मांग रही है आपकी पार्टी के द्वारा दोषियों को कार्रवाई करते हुए? बिल्कुल फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए फांसी की सजा? जाकर देखिए जिनका घर उजड़ा है। भाई मैंने अपनों को खोया, मैं जानता हूँ अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। भाई जिन्होंने अपने पिता को खोया, जिसने अपने भाई अपने बेटे को खोया, क्यों नहीं उन दोषियों को फांसी मिलनी चाहिए? आप एक कानून का उल्लंघन कर रहे हैं भाई, कानून के उल्लंघन में आप निर्दोषों को तो भैया आप जेल में डालते हैं। बिहार में जाकर देख लीजिए, लाखों गरीब परिवार के, पिछड़े वर्ग से आने वाले, दलित वर्ग से आने वाले लोग इस कानून के उल्लंघन के मामले में सालों साल से जेल में, लाखों ऐसे लोग हैं। पासी समाज को आप देख लीजिए, ताड़ी बेचने के आरोप में आप उन लोगों को सालों साल आप जेल के अंदर रखते हैं, कल छपरा जा रहे हैं। पर वहीं जब कोई जहरीली शराब बेचता है या जहरीली शराब बनाता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, पर बाकी निर्दोषों को, इसने शराब पी इसको जेल में डालो, इसने शराब पी उसको जेल में डालो, इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है वो मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखता। इस कानून का दुरुपयोग कर जो शराब बना रहे हैं वो नहीं दिखते, पर जो पिएगा वो मरेगा। तो वे अब चिराग पासवान को सुन रहे थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दल में कोई लोग नहीं बचे हैं जो उनके पार्टी को चला सके, इसी को लेकर नीतीश कुमार है और दूसरे के पार्टी में ताक झांक कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव स्ट्रीम के साथ। लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।